हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। युद्ध आरंभ हो चुका है, अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है, सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। महारानी मंदोदरी, धान्य मालिनी को ले जाओ यहाँ से। हाँ, महारानी मंदोदरी, चलो चलो चले यहाँ से। अभी लंका के राजभवन पूरी तरह शमशान नहीं हुए हैं। एक दीपक अभी टिमटिमा रहा है, लंकेश के महलों के दीवे में बाती जगाने वाला एक कुल दीपक तो अभी बाकी है। महारानी मंदोदरी, पुलिस कुल को पानी देने वाला तुम्हारा पुत्र मेघनाथ तो अभी तक जीवित है। महारानी मंदोदरी, परम प्रतापी महाराज रावण, आपका ये महायज्ञ मेघनाथ की बलि चढ़ाए बिना कैसे पूरा होगा? असंभव, असंभव। मेघनाथ की बलि दे सके ऐसा वीर संसार में जन्मा नहीं है। मातेश्वरी, इस धरती पर, धरती के तले पाताल में अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है। माता, ये क्या दिग्विजयी रावण की पत्नी, देवताओं को हरा देने वाले शूरवीर अतिकाय की माता को इस प्रकार अश्रु बहाना शोभा नहीं देता? माँ का हृदय माँ का हृदय होता है, भले ही वो किसी शूरवीर की माँ हो। माँ का हृदय अवश्य रोएगा। तुम पुरुष लोग इतना अत्याचार मत करो कि माँ का रोने का अधिकार भी छीन लो। जो माँ राजमहल में रहेगी उसे रोने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके रोने से प्रजा की हजारों स्त्रियां रोने लगती हैं। राजमहल से एक चीख उठेगी तो प्रजा से 10,000 चीखें उठेंगी। दिग्विजयी राक्षस राज रावण की पत्नी, पिता के प्रताप की आन पर अपने प्राण अर्पण कर देने वाले परम पराक्रमी अतिकाय की माता इस प्रकार के प्रलाप करेगी तो हमारे सैनिकों की, स्त्रियों की मनोदशा क्या होगी? लंका की महारानी, राजरानी, राजमाता, आपकी आंखों से टपकते आंसू पूरे राज्य में उथल पुथल मचा देंगे। राजमहल का क्रंदन सारे देश में हाहाकार मचा देगा। ये बात याद रखो माता, राज परिवार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग हमें हंसता देखते हैं तो हंसते हैं और हमें रोता देखते हैं तो रोते हैं। इसीलिए राजा को अपने दुख अपने सीने में ही दबाकर सदा हंसते रहना पड़ता है। राजा कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए आप दोनों राजमहल में जाएं और अपने अश्रु पोंछ लें। उसके पाषाण हृदय के स्थान पर मां ममता का कोमल मन होता तो पुत्र शोक में तिल मिलाती मां से आंसू बहाने का अधिकार कदापि न छीनता। याद रख, यही आंसू तुम्हारी माता की आंखों में भी होंगे। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का समाचार आएगा उस दिन देखूंगी कि तुम्हारी पत्नी सुलोचना भी रोती है कि नहीं। यदि वो रोएगी तो वो भी हमें पसंद नहीं होगा। परंतु माता, ये समय रोने धोने का नहीं है, इससे महाराज को बहुत अशांति पहुंचती है। इस समय सारे परिवार का, सारी सेना का एक ही कर्तव्य है कि महाराज के मनोबल को निर्बल ना होने दे। युद्ध आरंभ हो चुका है, अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा,
राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है, सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। मातेश्वरी, छोटी माँ को साथ ले जाओ और उन्हें समझाओ कि आज महाराज के साथ देने का समय है, उन्हें अशांत करने का नहीं। माता, मेघनाथ वचन देता है, काका कुंभकर्ण, भैया अक्ष कुमार, भैया अतिकाय, प्रहस, देवांतक, नरांतक अपने एक एक भाई के बदले उनके हजार हजार योद्धाओं को मारकर हृदय की धड़कती प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी करेगा। आंसू पोष दो मां, इंद्रजीत को रघुवंशियों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दो।